जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे भाजपा कार्यकर्ता। यह खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां सैयद राजा कोतवाली के अंतर्गत स्थित गांव भतीजा में आम बजट को जन जन तक सरल तरीके से समझाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा की ओर से देश के हर जिले हर गांव में प्रभारी मंत्री से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता तक भारत सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को आम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, बजट को समझाने के लिए गांव-गांव शहर लोगों को जागरूक करने भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वहीं आज चंदौली जनपद के भतीजा गांव में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित अग्रहरी व जिला मंत्री आलोक सिंह सरकार की योजनाओं को बताने पहुंचे। प्रवक्ता के रूप में अमित अग्रहरी ने सरकार द्वारा बजट का खूब बखान किया। अमित अग्रहरी ने बताया, इस बजट सत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,00,00,000 रुपये का सरकार ने बजट के रूप में पारित किया है, जो अब तक के 70 सालों के इतिहास में ऐतिहासिक कदम रहा, जो कोरोना काल के आपदा के संकट में घड़ी में संजीवनी का कार्य करेगी तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के अत्यंत गरीबों को आगामी सत्र में 1,00,00,000 नए कनेक्शन देने का प्रावधान लागू किया गया है। देश के छोटे बड़े 2,00,000 कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा देकर केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पास की गई है, क्या लगता है आपको कि इससे आप किसानों के लिए फायदे हैं? पिछले सरकार से ज्यादा सम्मान देने इस सरकार ने काम किया है। विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कृषि बिल जो निकाली गई है वो किसानों के अहित के लिए है, मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। देखिए चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट, ऑल इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। अमित अग्रहरी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा चंदौली। आज भतीजा गांव में आपका क्या कार्यक्रम रहा? जी, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संसद भवन में एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो संसद भवन में इस वर्ष का जो बजट योजना पारित किया गया, उस संबंध में बूथ स्तर पर गांव से गांव जाकर जो है लोगों के विषय में चर्चा करने का दायित्व दिया गया है। इस बजट जो इस बार जो बजट पेश की गई है, इसमें गरीबों के लिए क्या सुविधाएं दी गई है? इस वर्ष का जो बजट है वह वास्तव में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए ही यह बजट ध्यान में रख के आत्मनिर्भर भारत की योजना को जो है साकार रूप में सपने को साकार करने के लिए योजना बनाई गई है। इस वर्ष इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अपने देश के वित्त मंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बजट देने का काम किया है। पिछले वर्षों से 137% अधिक, जो अब तक के 70 साल के इतिहास में यह बजट कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इतना बड़ा बजट पारित नहीं किया गया था। यह निश्चित ही देश के ही लिए नहीं, समाज के लिए, पूरे विश्व में जो एक ऐतिहासिक कदम है और सराहनीय कार्य है। आलोक सिंह, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा। इस बजट के अनुसार किसानों के लिए क्या लाभ दे रही है सरकार? किसानों के लिए हर तरीके के लाभ है। आप देख रहे हैं कि नहीं, गांव स्तर तक जा के क्रय केंद्र खुले हैं आज के समय में, और धान की खरीदारी हो रही है। ऐसे खरीदारी दोबारा कभी नहीं हुई थी इससे पहले। विपक्ष का कहना है कि सरकार कहती है आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान परेशान है और किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को और परेशान कर रही है सरकार। किसान विरोधी कोई बिल नहीं है। जितना सुलभ और आसान तरीके से इस बार धान बिका है, इससे पहले कभी नहीं बिका था, ये सभी लोग देख रहे हैं। वहाँ जो बॉर्डर पे हो रहा है वो नौटंकी है। किसान लोग अपने खेतों में काम करते हैं और कर रहे हैं।